हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। करवा चौथ व्रत के इन 6 विशेष नियमों के बिना अधूरा रह जाता है व्रत। अखंड सौभाग्य के लिए हर सुहागन को करना चाहिए। इसका पालन तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं ये कौन से 6 नियम हैं। करवा चौथ का त्यौहार इस साल 20 अक्टूबर रविवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ पर सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान के साथ पूजा करके अपने विवाह जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। विभिन्नताओं से भरे इस देश में करवा चौथ व्रत मनाने के कई तरीके हैं। सभी लोग अपनी अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हुए करवा चौथ के भिन्न रीति रिवाज और नियमों का अनुसरण करते हैं, लेकिन करवा चौथ के कुछ विशेष नियम ऐसे हैं जिन्हें हर व्रती महिलाओं को मानना चाहिए। आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत के नियम। करवा चौथ व्रत में कई जगह सर्गी का रिवाज है। सर्गी सास बहुओं को देती है, जिसमें वे फल, मिठाई और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। इससे सूर्योदय से पहले खाना होता है। इसके बाद रात्रि तक चंद्रदेव को अर्घ्य देने तक निर्जला व्रत का पालन करना होता है। अगर किसी महिला के परिवार में सर्गी की परंपरा नहीं है तो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि लगने के बाद कुछ खाने या पीने से परहेज करते हुए निर्जला व्रत का पालन करें। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं और श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन करवा चौथ पर विवाहित महिलाओं को श्रृंगार की 6 चीज़ों का धारण जरूर करना चाहिए। ये 6 श्रृंगार हैं मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, बिंदी और बिछिया। करवा चौथ के दिन इन चीज़ों को धारण करके विधि विधान के साथ करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। करवा चौथ का सबसे जरूरी और विशेष नियम है कि विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद रात्रि में चंद्रदेव की पूजा और उन्हें अर्घ्य जरूर दें। साथ ही करवा चौथ की कथा सुनने के साथ ही भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और आप जीवन में तरक्की करते रहते हैं। करवा चौथ के त्यौहार में ये नियम भी विशेष है। करवा चौथ पर व्रती महिलाओं को चंद्रमा को मिट्टी से करवे ही अर्घ्य देना चाहिए। मिट्टी का करवा शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि मिट्टी का करवा धरती तत्व का प्रतीक है। इस कारण से मिट्टी का करवा आराध्य देने के लिए विशेष माना जाता है। करवा चौथ पर विधि विधान के साथ पूजा करके दान को भी बहुत ही आवश्यक माना जाता है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं एक थाली में श्रृंगार का सामान, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, सीसा, कंघी, रिबन और सगुन यदि अपनी विवाहित सास, जेठानी या फिर विवाहित वरिष्ठ महिलाओं को दे सकती हैं। करवा चौथ व्रत की विशेष पूजा की व्यवस्था के लिए मंदिर इस तरह से लगाना चाहिए कि पूजा करते समय आपका मुंह पूरब दिशा की ओर रहे और पीठ पश्चिम दिशा में। इसका अर्थ यह है कि करवा माता का मंदिर भी पूरब दिशा में स्थापित करें। करवा व्रत की पूजा या फिर किसी भी मांगलिक कार्य की पूजा को पूरब दिशा की तरफ मुंह करके ही करना चाहिए। तो फ्रेंड, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।